हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 10,000 एमसीक्यू सीरीज का के जो क्वेश्चन 30 तक हमने डिस्कशन किया था, उसके आगे 31 से हम 50 तक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जॉब का और आपको ट्रेनिंग से रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। इसके अलावा आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे 10,000 एमसीक्यू और जो थ्योरेटिकल पार्ट है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का, वो सब आपको मिल सकता है। यहाँ पे आप सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे UGC नेट हो, KBS हो, NBS हो, दिल्ली, राजस्थान और अदर लाइब्रेरियन एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो आपका लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का जो MCQs है, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप UGC, KVS, NVS या दिल्ली, राजस्थान किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट होगा। और ये पार्ट थर्ड है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे गए हैं, आपको जो सुटेबल लगे वो आप प्रीफर कर सकते हैं। और इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मैं दिया हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। हु इन्वेंटेड कैलकुलेटिंग मशीन, यानी कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार पास्कल ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि जो ये कैलकुलेटिंग मशीन था इसका नाम क्या था फर्स्ट, तो पास्कल के नाम से ही था इसका नाम, पास्कलाइन। यानी कि आप लिख सकते हैं अगर नोट में, पास्कलाइन, तो ये था इसका नाम, PASCALINE। और ये फर्स्ट अर्थमेटिक मशीन था, मतलब कि ये डिजिटल नहीं था, अर्थमेटिक था, जो एक तरह से एडिंग मशीन कह सकते हैं, जो एडिशन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ENIAC का पूरा नाम था, यानी ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका नाम है। इसको डेवलप अमेरिका में किया गया था और ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि हु कैटेगराइज इन्फॉर्मेशन सोर्स, यानी इन्फॉर्मेशन सोर्स को किसने कैटेगराइज किया, किस रूप में, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि पारंपरिक, गैर पारंपरिक, नौ पारंपरिक और सूक्ष्म दस्तावेज में सूचना स्रोतों को किसने वर्गीकृत किया। तो ये डॉक्टर रंगनाथन जी ने इसको वर्गीकृत किया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, एक्सपेंड ARPA नेटवर्क, यानी ARPA नेटवर्क का विस्तार रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि इन विच ईयर वाज UGC इन्फ्लिबनेट स्टेबलाइज, यानी कि UGC इन्फ्लिबनेट की स्थापना किस वर्ष हुई, 1988 में हुई। देखिए, इन्फ्लिबनेट में तीन वर्ड आते हैं, एक INF, दूसरा है LIB, तीसरा है NET, तो इसका फुल फॉर्म होता है INF से इंफॉर्मेशन, LIB से लाइब्रेरी और NET से नेटवर्क, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज कॉमन फीचर बिटवीन RFID एंड बारकोड टेक्नोलॉजी। देखिए, आप कभी भी मार्केट या किसी शॉप में जाते हैं तो या मॉल में, तो बारकोड रीडिंग की टेक्नोलॉजी द्वारा वो प्रोडक्ट को रीड करके आपको ऑनलाइन, मतलब कि एक तरह से वो मशीन लिए रहते हैं रीडर, बारकोड रीडर, और बारकोड आप जो प्रोडक्ट पे एक लाइन जैसे खींची होती है वो बारकोड होता है, उसको उस तरह से वो एक्सेस करते हैं। RFID जो होता है, वो RFID एक कार्ड मिलता है जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी मूव कर रहा है मतलब कि प्रोडक्ट, तो वो RFID के से उसको रीड कर सकते हैं। तो इसमें होता है रीड मोर देन वन टाइम एट अ टाइम, मतलब कि सॉरी, रीड मोर देन वन आइटम एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में हम एक से अधिक आइटम को रीड कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। एबल टू लोकेट स्पेसिफिक आइटम ऑन सेल्फ, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है प्रोग्रामेबल, ये प्रोग्रामेबल होता है, हाँ बिल्कुल प्रोग्रामेबल होता है। फोर्थ है रीड व्हाइल द आइटम इज मूविंग, मतलब आइटम मूविंग कर रहा हो तब भी आप इसे, मतलब मूविंग कर रहा है आइटम तो आप रीड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो यानी चारों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है फर्मिंगटन योजना किससे संबंधित है, यानी कि फर्मिंगटन प्लान इज एसोसिएटेड विथ, तो लाइब्रेरी कॉपरेशन से फर्मिंगटन प्लान एसोसिएटेड है। 30 नंबर देखते हैं, SDI सर्विस इज, मतलब कि SDI सेवा क्या है, एक इंडिविजुअल सर्विस है। SDI का फुल फॉर्म होता है
इसका फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है बग क्या है, यानी व्हाट इज बग। देखिए बग के लेके आप कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा एग्जाम में। एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आएगा उसी को बग कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या नेटवर्किंग में आता है तो ये उसे बग नहीं कहते हैं। सिर्फ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर कुछ एरर आता है तो उसे ही हम बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो देखिए जो Z39.50 ये प्रोटोकॉल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बेसिकली प्रोटोकॉल होता है वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। एक तरह से ये रूल होता है कि किसके बाद क्या, मतलब कि इसमें प्रोटोकॉल में आप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें फिजिकल मतलब कि फिजिकल नेटवर्क सभी लेयर होते हैं, तो वो लेयर एक तरह से एक रूल होता है कि इसके बाद ये आएगा और उसी के तहत कोई भी डाटा का एक सिक्योर रूप में हम ट्रांसफर कर पाते हैं, तो उसे नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। तो Z39.50 ये प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 कहता है हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी, यानी कि कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी के सचिव कौन होते हैं, समिति के सचिव कौन होते हैं। तो ऑटोमेटिक लाइब्रेरियन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग हेडिंग्स एंड प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंस इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं ऑथोरिटी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। थिसारो यानी थिसारो फेसेट इज, थिसारो पहलू क्या है। देखिए इंडेक्सिंग टूल है एक तरह का, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। बिब्लियोग्राफी इज अ सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ ऑल द बुक पब्लिशिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ये एक तरह से यूनिवर्सल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी, तो एक्सेशन जो एक्सेशन रजिस्टर होता है उसी को हम मुख्य रिकॉर्ड कहते हैं किसी भी लाइब्रेरी का। बेसिकली इसमें सभी लोग जितने भी स्ट्रेंथ होता है, यानी कि जितने लोग लाइब्रेरी में आते हैं उनका नाम वगैरह एड्रेस या किसी तरह का डाटा उनका होता है, उसी को एक्सेशन रजिस्टर कहते हैं और इसे मुख्य रिकॉर्ड भी कहा जाता है। एक तरह से हिंदी में कहिए तो चीफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 46 का है, पैकेज लाइब्रेरी आर वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ, यानी कि पैकेज लाइब्रेरी गतिविधियों में से एक है, एक्सटेंशन सर्विस है एक तरह का पैकेज लाइब्रेरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 कहता है वेब टू उपकरण नहीं है, यानी इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब 2.0 टूल। देखिए वेब 2.2 जो वेब 2.0 टूल होते हैं ये सभी वो टूल होते हैं। पहले तो ये जितने सोशल नेटवर्किंग साइट है ये सभी वेब 2.0 टूल हैं। इसमें विकीज और फिर ब्लॉग्स भी आ जाते हैं, और जैसे फेसबुक, यूट्यूब, फ्लिकर या कोरा, ये सब वेब 2.0 टूल हैं। और बेसिकली वेब 2.0 टूल का क्या मतलब पहचानने का तरीका है, जो भी ऐसे वेबसाइट या ऐसे साइट जहाँ पे यूजर खुद कंटेंट क्रिएट करता है वो सभी वेब 2.0 टूल में आ जाते हैं। तो यूजर देखिए आप फेसबुक है, ब्लॉग्स है, ये सभी जगह यूजर क्या करता है, कंटेंट को क्रिएट करता है और खुद पब्लिश कर देता है, तो ये सभी वेब 2.0 है। तो ब्लॉग यहाँ पर ऑप्शन मतलब बुक ने करेक्ट माना है, मुझे नहीं लगता है ब्लॉग करेक्ट है, यानी वेब 2.0 ये होगा ब्लॉग। तो मुझे लग रहा है ये PDF आंसर होना चाहिए, तो आप एक बार इसे चेक करके हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। वेब 2.0 तकनीक का उपयोग पुस्तकालय कार्यों में किस नाम से जाना जाता है, तो ये लाइब्रेरी 2.0 नाम से जाना जाता है, यानी व्हाट इज द नोन बाई यूजिंग वेब 2.0 टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी फंक्शन, तो ये लाइब्रेरी 2.0 नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, यानी भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 कब से लागू हुआ है, थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंटिंग है। देखिए 1958 में जो कॉपीराइट एक्ट है ये लागू हो गया, लेकिन इसको पास किया गया था 1957। तो आपसे दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ, तो 1958 हो जाएगा, और ये पूछेगा कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1957 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। डॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉस। तो डॉस जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है,
देखिए, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिंगल टास्क कर पाता है, यानी कि एज ए नेम इम्प्लाइज, मैंने जिसके नाम पर वो टास्क दिया गया वही कर सकता है। यानी कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये डिजाइन होता है सिर्फ वन यूजर के लिए। लेकिन मल्टी जो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसमें मल्टीपल यूजर एक साथ वर्क कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल तो एक तो आपने डॉस याद किया, एम एस डॉस इसका फुल नाम होता है, याद रखिएगा एम एस डॉस, इस नाम से भी आता है ऑप्शन में। इसके साथ साथ आप पाल्म ओएस जो है, पाल्म ओएस इसको भी याद रखिएगा, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हो सकता है आपको एम एस डॉस प्रीवियस जो केवीएस के एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन था, लेकिन इसके बाद अगर पूछा जाता है कि इसमें से कौन से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें आपको एम एस डॉस और पाल्म ओएस भी हो, तो आपका पाल्म ओएस भी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल आप मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको भी देख लीजिए। जो मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप लिख सकते हैं, अगर आप नोट करना चाहें, देखिए लिनक्स जो होता है, लिनक्स ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मल्टी यूजर का क्या होता है कि मोर देन वन यूजर जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं एक सिंगल मतलब कि सिस्टम को। और उसके बाद लिनक्स जो होता है, यूनिक्स जो होता है, यूनिक्स ये भी आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडो, विंडो आपने सुना होगा, विंडो 2000, 2003, 2010, अभी जो 10 वर्जन है यानी विंडो 10 ऐसे सुने होंगे आपने, तो वो सभी जो हैं 2000 जो विंडो का सीरीज जितने भी हैं वो सभी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको लाइब्रेरी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर आप पढ़ते हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस, उसके लिए। तो ये था आपका टोटल 20 क्वेश्चंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से बेस्ट, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है, आपको लगता है कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और आप librariescience.in वेबसाइट पर विजिट करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो या और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अगर चैनल पर अपडेट नहीं होता है, तो कहीं भी मतलब हम लोग रहते हैं तो क्या होता है कि कई बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है या कोई आपके पास रिगार्डिंग आपको कोई कमेंट अगर कोई सुझाव देना है, तो librariescience.in@gmail.com पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जॉब या नेक्स्ट कोई एजुकेशन वीडियो के साथ।